ये हैं भावनगर की भावना बहन राठौड़। एक दिन एक अनहोनी हो गई और इनके सिर पर आसमान टूट पड़ा। 8 महीने पहले मेरे पति का बीमारी की वजह से अवसान हुआ है और सारी जिम्मेदारियां मुझ पर आ गई और मेरे बेटे को पढ़ाना, घर चलाना, हर तरह से मुझे तकलीफ हो रही है। ये है नवाणिया गांव के कनु भाई सोलंकी। उनके सीने का हल्का हल्का दर्द एक दिन बड़ी आफत बन गया। डॉक्टर ने कहा कि इमरजेंसी में बाईपास करवाना पड़ेगा, अगर आपको जीना हो तो। आपकी सभी नसें ब्लॉक हो गई हैं। मैं अपना मकान या 7 बीघा जमीन जो मेरे पास है वो बेच दूं तो ही ये मुमकिन था। ये हैं बोडेली तालुका के फिरोज भाई खत्री। छोटी मोटी मजदूरी कर ये अपना और अपने परिवार का पेट पालते थे, पर जब सीजन ना हो, काम ना हो तो खाने के भी लाले पड़ जाते थे। बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी थी, उम्र ढल रही थी, रोजगार की कोई गारंटी नहीं थी। इन्हें अलग अलग सरकारी योजनाओं के लाभ मिल सकते थे, पर कैसे? वैसे सिस्टम में तो यही लिखा था कि इन सबके परिवार वाले गांव से शहर तक मैराथन लगाएंगे, सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाएंगे, ढेर सारा पैसा, वक्त और धीरज गंवाएंगे और 6-8 महीने या साल भर रहते रहते इनका नंबर आएगा और कुछ हाथ लगेगा। पर एक दिन सूरज मानो पश्चिम से निकला और सरकार का पूरा दफ्तर इनके दरवाजे तक आया। ढेर सारे अफसर अपनी फाइलें, जरूरी कागज, कलम, कंप्यूटर, प्रिंटर, टेबल, कुर्सी, नोटरी, स्टाफ और पता नहीं क्या क्या लेकर इनके गांव आए और पूरा गेम ही बदल गया। पर आप सोच रहे होंगे, ऐसी तो कौन सी जगह है जहां लोग और सरकार इतने पास आकर मिलते हैं? ये वही जगह है जहां से पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने लोक सेवा का नया दौर शुरू किया था, गुजरात। दरअसल ये जगह नहीं, पुल है जो सरकार और लोगों को जोड़ता है। ऐसा ही एक पुल है सेवा सेतु। सेवाएं आपके दरवाजे पर। सेवा सेतु ने भावना बहन को उम्मीद से 5 गुना दिया। गई तो थी पति का डेथ सर्टिफिकेट लेने, साथ साथ अंत्योदय, राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना से गैस कनेक्शन और बच्चों की स्कॉलरशिप तक मिल गई, और वो भी केवल एक ही दिन में। दुकान से जो बहुत कमाई होती थी उससे मैं घर का खर्च और बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाती थी। फिर इस सेवा सेतु कार्यक्रम में सरकार ने हमें मदद की, अब मुझे काफी राहत है। घणी राहत छे। कभी कभी शब्द छोटे पड़ जाते हैं पर दिल की धड़कनें सब कुछ कह जाती हैं। हमारे गांव में सेवा सेतु कार्यक्रम था, उसमें हमें तुरंत ही एक ही दिन में कार्ड मिल गया और मैं तुरंत ही भर्ती हो गया। मुझे कार्ड मिल गया इसलिए मुझे 50% राहत मिल गई कि अब मेरे पास पैसे आ गए, मैंने ये बाईपास करवाया। फिरोज भाई को भी यहां से मनरेगा का जॉब कार्ड मिल गया, अब उनके पास 100 दिन के लिए काम है। हमारे गाँव में जो सेवा सेतु कार्यक्रम हुआ था उसकी वजह से मुझे जॉब कार्ड चाहिए था और उसके लिए मुझे ऑफिस के धक्के भी नहीं खाने पड़े और समय की बचत भी हुई। 5 नवंबर 2016 से 6 अप्रैल 2017 तक, मतलब सिर्फ 150 दिनों में 18,000 गांव और 170 शहरों और कस्बों के करीब 35 लाख नागरिकों को मिला इस सेवा का लाभ, जिनमें 28 लाख से ज्यादा लोग तो गांव से हैं। यहां 22 विभागों की जनसेवा से जुड़ी सारी जानकारियां मिलती हैं, आधार कार्ड से राशन कार्ड तक, डोमिसाइल सर्टिफिकेट से लेकर जाति प्रमाण पत्र तक, सुकन्या समृद्धि से विधवा सहायता तक, जनधन अकाउंट से अटल पेंशन योजना तक, गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह से लेकर सर्जिकल ट्रीटमेंट तक, मनरेगा कार्ड से लेकर बस कंसेशन पास तक, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर वरिष्ठ नागरिक प्रमाण पत्र तक 42 से ज्यादा सरकारी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। यहां एक ही जगह एक ही समय पर ऑन द स्पॉट 8 से 10 गांवों का एक क्लस्टर बनाकर उनमें से किसी भी एक गांव में सेवा सेतु कैंप लगता है, जहां प्रांत अधिकारी, तहसीलदार, तालुका विकास अधिकारी, क्षेत्रीय वन अधिकारी, संबंधित क्षेत्र के पुलिस इंस्पेक्टर और पुलिस सब इंस्पेक्टर, विस्तार अधिकारी, कृषि अधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी, आपूर्ति निरीक्षक, सामाजिक कल्याण निरीक्षक, शिक्षा निरीक्षक, मुख्य सेविका और ग्राम सेवक जैसे 13 अफसर तैनात होते हैं लोगों की सेवा में। ग्रामीण क्षेत्र में जो सफलता मिली उसके चलते नगर पालिका और महानगर पालिका क्षेत्रों में भी ये कैंप शुरू किए गए हैं
और अंदाजन 99% सफलता भी मिली है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कुल 813 कैंप किए गए। करीब 35,79,658 अर्जियां मिली, जिसमें से 35,66,370 अर्जियों का निपटारा भी हो गया। देखिए कितनी बड़ी बात हो गई, दोनों तरफ के लोगों के लिए, सेवा देने वालों के लिए भी और सेवाएं लेने वालों के लिए भी। और इस पूरी घटना का सीधा ब्यौरा रखते हैं गुजरात के मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी खुद, ताकि दूर से दूर बैठे नागरिक को भी सरकार की सेवा मिले बिना किसी बिचौलिए के और पारदर्शी तरीके से। आखिर कब तक सरकार और लोग एक दूसरे से आंख मिचौली खेलते रहेंगे? आइए बनाते हैं दोनों के बीच में नया सेतु, सेवा सेतु, सेवाएं आपके दरवाजे पर।